नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल TSR जोन में। मित्रों, यदि आप किसी इंसान से बहुत अधिक परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी की वजह से बहुत अधिक तनाव है, आप या आपका परिवार किसी इंसान के बुरे कार्यों की वजह से चपेट में है, कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपका विरोधी है जो किसी न किसी प्रकार से आपको हर समय नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपको सुखी नहीं देख सकता, ऐसे इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए या उसको बर्बाद और नेस्तो नाबूद करने के लिए, उसकी हर चाल को असफल बनाने के लिए और उसे हराने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही साधारण और असरदार उपाय बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा पाएंगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर रख सकेंगे। और यदि वह आपके लिए कुछ भी बुरा करने का प्रयास करेगा तो उसे स्वयं ही यातनाएं झेलनी होंगी और वह जितना आपके लिए बुरा करेगा उससे ज़्यादा उसके लिए बुरा होना शुरू हो जाएगा और आप पर उसकी किसी भी चाल का असर नहीं होगा। मित्रों, सप्ताह के किसी भी दिन किसी भी समय आप इस उपाय, इस टोटके, इस अमल को कर सकते हैं। मित्रों, आप ज़मीन पर एक आसन, एक कपड़ा, साफ सुथरा कोई भी किसी भी रंग का बिछाकर बैठ जाएं, केवल काले रंग को छोड़कर, और अपनी बैठने की दिशा जो आप रखें वो आप दक्षिण की रखें। आसन लगाने से पहले मित्रों एक विशेष बात ध्यान रखें कि आपने स्नान आदि किया हुआ हो उस दिन जिस समय आप क्रिया शुरू करें। यदि आप किसी कारणवश स्नान आदि नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें। अब आपने अपने पास मित्रों कुछ सामग्री रखनी है, वो इस प्रकार से है। आपने एक काले रंग का कपड़ा रखना है, रूमाल के माप का, यानी रूमाल के साइज़ का एक काले रंग का कपड़ा आप अपने पास रखें। एक सरसों के तेल का दिया, दीपक जो मिट्टी का हो उसमें आप रुई की बाती रख लें। चार चावल के दाने आप अपने पास रखें, साबुत, कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। चार काली मिर्च रखें, साबुत। अब आप क्या करें मित्रों, उस काले कपड़े पर अपने सामने उस काले कपड़े को बिछा लें, यानी रुमाल के माप का जो आपके पास कपड़ा है, थोड़ा छोटा बड़ा होगा चल जाएगा मित्रों, उसे आप रख लें। अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला लें। मित्रों, अब आप क्या करें, उस काले कपड़े पर एक परमानेंट मार्कर लें, लाल रंग का, और उस लाल रंग के परमानेंट मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपका शत्रु है, आपका दुश्मन है, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं और बदला लेना चाहते हैं या उसे बर्बाद और नेस्तोनाबूद करना चाहते हैं। इसके बाद मित्रों आप क्या करें, जो चार चावल के दाने आपके हाथ में हैं और जो चार काली मिर्च हैं वह अपने दाएं हाथ पर उठा लें और एक मंत्र का 21 बार उच्चारण करें, यानी 21 बार एक मंत्र को आप बोलें। मंत्र है मित्रों, क्रीं शत्रु अमुकस्य कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर दोहरा देते हैं मित्रों, क्रीं शत्रु अमुकस्य कुरु कुरु फट स्वाहा। मित्रों, अमुकस्य के स्थान पर आपने अपने शत्रु का नाम लेना है, मुख्य नाम आप वहां पर लें, और इस मंत्र को आपने 21 बार उच्चारित करना है। और जिस समय आप इसको उच्चारित करें आपके ध्यान में आपका शत्रु हो, यानी आपके आपने उसके बारे में सोचना है, उसको अपने से दूर करना है, उसके बारे में सोचना है, उसे आपने दर्द में और पीड़ित देखना है। उसके बाद आप इस मंत्र का उसके साथ साथ उच्चारण करें 21 बार। ऐसा करने के बाद मित्रों आपने क्या करना है, इस कपड़े को एक ऊपर से घुमाकर गांठ लगा देनी है, कोई अन्य कपड़ा या धागा इस पर इस्तेमाल ना करें। कपड़े को ऊपर से जो सामग्री उसके अंदर है लपेट कर एक गांठ बांध दें
और इस कपड़े को आप उसके बाद अपना स्थान छोड़ें, वहाँ से उठें और घर से बाहर ले जाएं। मित्रों, उसके बाद घर के बाहर जाने के बाद, अपने घर से बाहर निकलने के बाद आप लगभग 20 कदम बाहर निकल जाएं और उसके बाद जितना आप दूर जा सकते हैं जाएं, लेकिन 20 कदम से कम ना रुकें। और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर आप बढ़ें और कहीं भी एकांत में इस पोटली को आप ज़मीन पर छोड़ाएं, एकांत ज़मीन हो वहाँ पर छोड़ दें। मित्रों, इतना कार्य करके आप पीछे ना पलटें और आप वापस आएं अपने घर की तरफ, और जो आपके सामने सरसों के तेल का दीपक रखा है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ पर रख सकते हैं, घर के अंदर या बाहर, इसे आप छोड़ दें। इतना कार्य मित्रों आप कर लें, आपकी अपने शत्रु पर अवश्य ही जीत हासिल होगी, आप उसे जीत जाएंगे, परास्त नहीं होंगे और आपका शत्रु हमेशा आपसे दूर ही रहने वाला है। मित्रों, बहुत ही शक्तिशाली यह उपाय है, इसको करके बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है, आप भी इसका फ़ायदा अवश्य ले सकते हैं। बुरी मंशा बुरी धारणा के साथ आप इसे किसी के साथ ना करें, बिल्कुल साफ मन से करें। यदि किसी से आप सचमुच बहुत परेशान हैं और कोई इंसान जानबूझकर हमेशा आपके लिए बुरा करता रहता है और आपका बुरा ही चाहता है, तो उस इंसान को आप सबक सिखा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बहुत साधारण सा मित्र उपाय है, कुछ भी विशेष इस उपाय के अंदर नहीं है, आप इसे करके जीत हासिल कर सकते हैं। मित्रों, आशा करते हैं उपाय आपको पसंद आया होगा। जाते जाते हर बार की तरह आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रगण भी इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को खुशमय बना सकें। मित्रों, अब लेते हैं इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।